हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। इनकी आज की इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 कह लीजिए या इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले कह लीजिए, ये दोनों में सेम ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी सेम देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस मोटो E40 यानी कि इसमें भी यूनिसॉक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों के बीच में फ्री फायर मैक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्त ये वीडियो को देखते रहिए एंड तक, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ब्राइटनेस कंपेयर करके। तो गाइस यहाँ पे दोनों को हमने सेम वाईफाई से भी कनेक्ट कर दिया। एंड गाइस यहाँ पे ब्राइटनेस की बात कर ले, यहाँ से ब्राइटनेस को करते हैं फुल्ली। सो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा दोनों सिमिलर है, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 को अगर देखें तो गाइस ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल जाता है। बाकी परफॉर्मेंस में देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, एंड यहाँ से गाइस रैम को सिंपली कर देते हैं हम क्लियर। ओके, अब दोस्त यहाँ से फ्री फायर मैक्स को एक साथ ओपन करेंगे एंड गाइस देखते हैं कि विनर कौन बनता है। ओके, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आते हैं, क्या विनर होगा, कौन विनर होगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 विनर हो गया। एंड गाइस यहाँ पे सबसे पहले हॉट 11 2022 में प्ले करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैटरी परसेंटेज टाइम 3:07 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज 74 पे है। तो देखेंगे इसकी कितना ज़्यादा ये बैटरी को ड्रेन करता है। सो गाइस यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है गाइस यूनिसॉक का T610। ओके, तो गाइस ये प्रोसेसर मतलब काफ़ी अच्छा है एंड इस प्राइस में अगर मिल रहा है मतलब 9000 के अंदर तो ठीक है, लेकिन वैसे 9000 में आजकल आप देख सकते हैं कि G88 भी मिल जा रहा है। तो ये प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन इसमें भी गाइस मुझे कुछ इश्यूज देखने को मिले इस फ़ोन में। बेसिकली हॉट 12 प्ले तो ये नहीं है और हॉट 12 प्ले में आपको ये इशू मिल सकती है, क्योंकि इस वहाँ पे भी प्रोसेसर सेम ही देखने को मिल जाता है एंड ब्रांड भी सेम ही है, तो इसके वजह से। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो प्रोसेसर T610 देखने को मिल जाता है ये अच्छा प्रोसेसर है एंड मतलब फ्री फायर के लिए सही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो FPS है, अगर आप 60 FPS पे प्ले करेंगे मैक्स पे तो यहाँ पे 60 FPS ये प्रोवाइड नहीं करता है, यहाँ पे ये फ़ोन FPS कम प्रोवाइड करता है। वहीं पर अगर बात कर लेंगे इस, अगर आप स्मूथ और हाई पे प्ले करते हैं लाइक 60 FPS स्मूथ और 60 FPS पे, तो यहाँ पे गाइस काफ़ी आपको थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस देगा, लेकिन वहाँ पे भी गाइस ये एक्चुअल में 60 FPS प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत मतलब यहाँ पे यही देखने को मिलती है। एंड गाइस यहाँ पे मैं क्लियरली सजेस्ट करूँगा कि हॉट 11 2022 के बदले आप हॉट 12 प्ले जरूर से चूज़ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मतलब डिज़ाइन भी काफ़ी मस्त लगा मुझे हॉट 12 प्ले का, स्पेशली भले ही बैक में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस डिज़ाइन मुझे इसका ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा। यहाँ पे गाइस T610 सेम ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, सेम ही कैमरा सेटअप है, सेम ही डिस्प्ले है, बट यहाँ पे हॉट 12 प्ले में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जबकि हॉट 11 2022 में आपको सिर्फ 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो मैं कहूँगा कि आप हॉट 12 प्ले की तरफ ज़रूर से जाएँ एंड उसको बाय करें। एंड की सेल में तो अभी वो 7000 के अंदर भी मिल जा रहा है, तो उसको आप बाई कर सकते हैं। रिसेंटली हॉट 12 भी आया है, तो गाइस हॉट 12 को मैं बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूंगा, गाइस वहां पे प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड प्राइस भी गाइस ऑलमोस्ट 10000 के आसपास रखे हैं, तो बिल्कुल ही वो प्राइस में जस्टिफाई नहीं करता है। आप हॉट 11S भी चूज़ कर सकते हैं, सेल में 9000-8000 में भी इजीली मिल जा रहा है हॉट 11S, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। और हॉट 12 प्ले भी ले सकते हैं अंडर 8000 में भी सेल पे मिल जाएगा बेसिकली। तो ज़्यादा आपको मतलब सोचना नहीं है, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि आप हॉट 11 2022 को मत चूज़ कीजिएगा, हॉट 12 जो आया रिसेंटली उसको चूज़ मत कीजिएगा। आप हॉट 12 प्ले लीजिए या हॉट 11S लीजिए, ये लेंगे तो काफ़ी सही है। अगर 10000 से ज़्यादा आपका बजट है तो क्लियरली मैं कहूँगा कि 11000 में आप पोको M4 5G ले सकते हैं, 11000 में आपको पोको M4 Pro 4G वाला भी मिल जा रहा है और गाइस पोको M4 Pro 5G भी 11.5 में मिल जा रहा है। तो मतलब बहुत ही आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे रियल मी नार्जो 50 भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ इशूज़ हैं लाइक बैटरी ड्रेन का थोड़ा इशू मुझे लगा। बाकी गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टाइम 3:21 हो चुका है एंड ये 14 मिनट में 4% डिक्रीज़ किया है, तो बैटरी बैकअप ये भी अच्छा प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे भी HD+ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड वहाँ पे भी HD+ है हॉट 12 प्ले में। बाकी यहाँ पे अब प्ले करते हैं हम इस फोन में मोटो में एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सभी
सेटिंग्स उन्होंने फुल्ली मैक्स कर दिया है। एंड गाइस यहाँ पे टाइम की बात कर ले, 3:22 हो रहा है, बैटरी परसेंट 69 पे है एज यू कैन सी दोस्तों। देखेंगे कि कितना ये बैटरी ड्रेन करता है। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इस फोन में जो मतलब आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है मोटो E40 में, वो गाइस मतलब प्रोसेसर यूनिसॉक का ही देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो प्रोसेसर का एक्सपीरियंस रहा बेसिकली, मैंने इसको टेस्ट भी किया एंड कंपेयर भी किया है G88 से, तो गाइस यहाँ पे मुझे जो एक्सपीरियंस इसमें मिला वो G88 से भी बेटर मिला, क्लियरली मैं बोल सकता हूँ। इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है यूनिसॉक का T700, ये मतलब 700 है, 610 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में। ये फ़ोन अगर आप 60 FPS पे प्ले करते हैं तो क्लियरली ये मतलब फील होता है काफ़ी स्मूथ, मतलब 50 FPS के ऊपर ये आपको FPS प्रोवाइड करता है। और इस यहाँ पे मतलब FPS में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी इस फ़ोन में, और सेंसिटिविटी भी अच्छी है। तो ये भी एक फ़ोन काफ़ी अच्छा मुझे लगा, under 10,000 आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं सेल में, 9,000 में मिल जाता है। तो मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स हॉट 12 के बदले, हॉट 12 प्ले के बदले इसको भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब मुझे सही लगा इसका एक्सपीरियंस, बहुत ही सही लगा। यहाँ पे आपको मस्त फ्री फायर में एक्सपीरियंस देता है, FPS भी अच्छा देता है, सेंसिटिविटी भी अच्छा देता है, कोई भी यहाँ पे आपको इशू देखने को नहीं मिलता है। वैसे यहाँ पे भी सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, एंड हॉट 12 प्ले में भी सिंगल स्पीकर ही है। बट यहाँ पे जो आपको सबसे बेटर चीज़ इसमें मिलती है वो है कि इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, मतलब इन्फिनिक्स हॉट 11S या इन्फिनिक्स का कोई भी आप फ़ोन चूज़ कीजिए, वहाँ पे आपको थोड़ा लैगी जैसा UI देखने को मिल जाता है, कभी लगता है वर्क नहीं कर रहा है, कभी कुछ वो इशूज़ उन सभी फ़ोन्स में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मोटो में गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फ़ोन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्टॉक एंड्रॉयड जैसा मिलता है, इसकी वजह से गाइस यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर देखने को मिल जाता है। और इन्फिनिक्स का कैमरा भी वैसे खास नहीं है, एंड इसका भी खास नहीं है। वैसे 10,000 के अंदर वाले फ़ोन्स पे आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते कैमरा के लिए, ये आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे देते हैं, वही बहुत है गाइस। यहाँ पे भी आपको मतलब डिस्प्ले अच्छी खासी 90Hz का देखने को मिल जाता है, HD+ यहाँ पे भी है, बट काफ़ी ज़्यादा UI स्मूथ फील होता है। एंड वहाँ पे भी HD+ ही देखने को मिल जाता है, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले लीजिए या इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 लीजिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये भी फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये ओल्ड हो चुका है। लेकिन अगर आपको 8,000 का अप्रॉक्स मिलता है 464 वाला वेरिएंट, तो आप इसको ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस देगा, एंड कोई भी लैग वैग बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। बीच में भी अच्छा एक्सपीरियंस देता है, और रिकॉर्डिंग करके प्ले करेंगे तो वहाँ पे तो भाई under 10,000 वाले फ़ोन्स लैग जैसा फील दे ही देते हैं। हॉट 11 2022 में तो भाई बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके, ऐसे ही FPS प्रोवाइड नहीं करता है उतना बेटर। एंड रिकॉर्डिंग पे भी वही हाल रहता है, रिकॉर्डिंग पे तो और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली कहूँगा कि हॉट 12 प्रो ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा डील है 12,000 के अंदर। सो गाइस यहाँ पे हमारा 10 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, एंड 10 मिनट से भले ज़्यादा हो चुका है, देख सकते हैं 14 मिनट में ये भी 4% डिक्रीज़ किया है। तो बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा दोनों की सिमिलर रही है जैसा कि आपने देख लिया दोस्त। तो क्लियरली मैं सजेस्ट करूँगा कि इन्फिनिक्स के बदले अगर मोटो का फ़ोन आपको अच्छा प्राइस पे मिले तो मोटो चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा, मतलब सॉफ्टवेयर का एंड परफॉर्मेंस भी वैसे थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है दोस्त। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कैसे मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।